मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूएमबी न्यूज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम, साथ ही आपको बताएंगे पूरे देश के मौसम का हाल। आंधी बारिश को लेकर कहां कहां जारी हुआ है अलर्ट, इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। आपको बता दें मौसम विभाग का यूपी के इन जिलों में 22 से 24 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। बारिश का दौर एक बार फिर शुरू, रक्षाबंधन पर जमकर बरसने का पूर्वानुमान और 3 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। यूपी में बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार और सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी जिलों में तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को बिजनौर, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि देवरिया, कुशीनगर, सीतापुर, हरदोई, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने के, बाकी इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मथुरा और आसपास के इलाकों में सोमवार 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि गाजियाबाद, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी और आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने और बाकी इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या हल्की से सामान्य बारिश हो सकती है। आगरा जिले और आसपास के इलाकों में मंगलवार 22 अगस्त को भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां मध्य प्रदेश पर स्थित एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत उससे जुड़े राज्यों और उत्तराखंड के लगातार बारिश होती रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर करी है कि इन क्षेत्रों में तेज बारिश और बिजली भी कड़कने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य जगह के करीब है, करीब पूर्वी छोर सामान्य से अधिक दक्षिण में स्थित है। जैसे जैसे पूर्वी ओर धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा, पूर्वोत्तर भारत में अगले सप्ताह तेज बारिश होगी। अगले 5 दिनों के लिए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश और गरज के साथ व्यापक बारिश का अनुमान है। लद्दाख में भी छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ व्यापक बारिश हो सकती है, और वहीं उत्तराखंड और सिक्किम में हिमपात होने की संभावना है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मुंबई में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। यह बारिश रविवार तक ही खत्म होने की संभावना जताई है। राजस्थान और गुजरात में मानसून गतिविधि में कमी देखने को मिलेगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, केरल, लद्दाख में हल्की बारिश पड़ने की संभावना है। और आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। रोजाना देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और मौसम की हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते रहे यूएमबी न्यूज़।